शीत युद्ध के बाद पहली बार सुपर पावर अमेरिका की किसी एयरक्राफ्ट को रूस ने टक्कर देकर मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने काला सागर के ऊपर रूसी फाइटर जेट की अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन के ऊपर तेल गिराने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक रूसी Sukhoi-27 फाइटर जेट बहुत ही खतरनाक तरीके से अमेरिकी ड्रोन की ओर आ रहा है। रूसी फाइटर जेट जैसे ही अमेरिकी ड्रोन के पास पहुंचता है, उसने अपना तेल गिराना शुरू कर दिया। इसकी चपेट में अमेरिकी रिपर ड्रोन आ गया। रूसी विमान के तेल से अमेरिकी ड्रोन के कैमरे खराब हो गए। उसने वीडियो भेजना बंद कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि रूसी फाइटर जेट ने बाद में उसके ड्रोन को खतरनाक टक्कर मारकर गिरा दिया। अमेरिका इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन युद्ध पर निगरानी रखे हुए था। काला सागर में बहुत बड़ी तादाद में रूसी नौसेना तैनात है। अमेरिका के यूरोपीय कमांड ने इस ड्रोन में लगे शक्तिशाली कैमरे के आखिरी वीडियो को जारी किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी घटना 30 से करीब 40 मिनट तक चली। अमेरिकी वायुसेना ने यह भी कहा कि इस घटना में रूस के 2 सुखोई फाइटर जेट शामिल थे। MQ-9 ड्रोन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल है। इसका इंजन बेहद खास है। इसके कारण इसकी परफॉर्मेंस और ड्रोन के मुकाबले काफी अच्छी है। यह ड्रोन करीब 47 घंटे तक हवा में रह सकता है। यह ड्रोन विमान करीब 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिससे यह रेडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी पेलोड क्षमता 1,746 किलोग्राम है। यह ड्रोन सर्विलांस और युद्ध में अपनी बेहतर क्षमता दिखा सकता है। कई तरीके के हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। इससे दुश्मनों को टारगेट करना बेहद आसान हो जाता है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिका पूरे यूरोपीय हवाई क्षेत्र में अक्सर नजर रखता है। Sukhoi-27 विमान को सोवियत संघ ने 1985 में एयरफोर्स में शामिल किया था। ये विमान आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। वहीं ये फाइटर जेट करीब 2,890 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस घटना के बाद रूस और अमेरिका में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस एक ड्रोन की कीमत करीब 264 करोड़ रुपए है। भारत भी इसी तरीके के ड्रोन को खरीदना चाहता है। भारत ने 2 ड्रोन को किराए पर लिया है और वह हिंद महासागर में इसके जरिए निगरानी करता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।